मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए हैं निर्देश कि स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ को कम किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने मापदंड तय करते हुए कक्षाओं के हिसाब से बस्ते का वजन तय किया है और बच्चे खेलकूद तथा मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले पाए, जिसके चलते स्कूल अभिभावकों और बच्चों में खुशी की लहर। और उन्होंने इस निर्णय को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई की क्षमता में तेजी आएगी। स्कूल प्रबंधकों की माने तो उन्होंने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। स्कूल में बच्चों के पीठ पर बस्ते का बोझ एक बड़ा मुद्दा रहा है। अभिभावकों ने जहां इसे लेकर चिंता जताई थी, वहीं डॉक्टरों ने भी बच्चों की सेहत की दृष्टि से इसे सही नहीं बताया था। बस्ते के बोझ को कम करने को लेकर समय समय पर संबंधित विभागों की ओर से निर्देश भी जारी होते रहे हैं। कुछ महीने पहले मद्रास हाईकोर्ट ने बच्चों के पीठ से बस्ते का बोझ कम करने और पहली तथा दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं देने के निर्देश दिए थे, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी। अब केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे स्कूलों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई और स्कूल बैग के वजन को लेकर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाए। सर, ये तो बहुत बढ़िया उन्होंने किया कि बच्चों के बैग हल्के होने चाहिए, क्योंकि असीं खुद चक के लेके आने बैग, सानू खुद देखदा पिया कि बच्चों के बैग किन्ने भारे है, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਕਮ ਹੋਗੀ ਔਰ ਕਲਾਸ ਵਨ ਮੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ। ਇਸ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਮੇ मैथमेटिक्स और लैंग्वेज पे कमांड करेंगे और अननेसेसरी जो बर्डन होता था पहले वो कम हो जाएगा। 1.5 किलोग्राम है और क्लास नाइन्थ में 5 किलोग्राम है और इन बिटवीन 2.5 और 3.5 किलोग्राम है वेट होना चाहिए बैग का। यस, ये बच्चों की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप केंद्रीय मंत्रालय ने लिया है। अभी तक ये पंजाब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उम्मीद है कि इसको इम्प्लीमेंट करके ये बहुत ही अच्छा स्टेप और लाभकारी स्टेप और टेंशन दूर करने वाला स्टेप होगा। किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ गई? देखो, प्रॉब्लम्स पहले बच्चों बहुत सगियाँ, बच्चों के बुक्स बहुत ज़्यादा सगियाँ, ज़्यादा होने करके बैग जोड़े बहुत ज़्यादा हैवी होंगे सी। छोटी उम्र के इन्ने हैवी बैग चकने बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के उपर बड़ा फर्क पैंता सी। आई थिंक जोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने हूँ ये फैसला दिता है, ये बहुत ही वधिया और शलाघायोग कदम हैगा बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के वास्ते और मैंटली ग्रोथ के वास्ते, जोड़ा कि हो मतलब सानू आशा सानू ये भरपूर आशा है कि सारे स्कूल इस नियम की पालना करके बच्चों की मैंटली और फिजिकली ग्रोथ के पूरा पूरा सहयोग करेंगे। जोड़ा ये फैसला आया है बच्चों के हक के वधिया तरीके मनणगे। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए खासकर उनका मैंटल ग्रोथ और उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा होगा स्टेप ये। तो बाकी यहाँ तक मैं अपने स्कूल की बात करूँ, हमारे स्कूल में तो बिल्कुल एज़ पर डायरेक्शन जो भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बुक्स पर प्रिस्क्राइब की हैं, इसमें क्लास फर्स्ट सेकंड में इसकी मैथ्स और दोनों लैंग्वेज की, या इसमें क्लास थर्ड फोर्थ में ईवीएस या साइंस जो इसमें लगा रखी है इसमें, ये मतलब कि बिल्कुल जो डायरेक्शन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से आई है हम अपने स्कूल में बिल्कुल इसको प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सेकेंडली हमारे स्कूल में जो बुक्स जो हैं वो आती हैं हमारे डीएवी की, और डीएवी आपको पता कि नेशनल लेवल की ये एजुकेशनल सोसाइटी है, ये जितने भी इसके जो एनसीईआरटी चाहे कोई भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से कोई भी डायरेक्शन को आती है तो उसको हम बिल्कुल प्रॉपरली और उसको स्ट्रिक्टली इसको
हमारे डीएवी सीएमसी को इम्प्लीमेंट, इसको फॉलो भी करते हैं और स्कूल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जहाँ तक इसके बैग के वेट का सवाल है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बच्चों की ना केवल मेंटल ग्रोथ, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ भी इसमें साथ होगी। पहले तो ये पॉइंट, जो वॉकिंग डिस्टेंस पर आते हैं उनको जो हैवी बैग्स कैरी करने पड़ते हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब स्कूल किसी का वॉकिंग डिस्टेंस पर है, उसे उतना भारी बैग लेकर आना, तो उसकी सारी स्ट्रेंथ वो वॉकिंग डिस्टेंस कवर में करने में लग जाएगी। फिर एक्स्ट्रा जो उसको फ्लोर्स चढ़ने हैं वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ जाएगी, पढ़ने में उसका ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि थक जाएगा वो। तो बैग का भार कम हो रहा है वो अच्छी बात है। उससे छोटे बच्चों को, जैसे कि उसने कहा कि अच्छा उसको उन्हें बेनिफिट मिलेगा, तो हाँ ये अच्छा है, अच्छा डिसीजन है। बहुत भारी बैग छोटे बच्चों को भी लेके जाना पड़ता था, बड़ी बड़ी जैसे हाई क्लासेस हैं, हाई क्लासेस में चलो बुक्स कम होती हैं, बट जैसे फर्स्ट टू टेंथ है अगर उनका कम हो जाए बैग का भार, तो काफ़ी अच्छा है कि वो आराम से जा सकते हैं अपनी क्लासेस में। उन्हें ज़्यादा फिजिकली उनको स्ट्रेंथ यूज़ करनी नहीं पड़ेगी, जो स्ट्रेंथ उन्हें पढ़ाई में लगानी चाहिए वो बैग उठाने में यूज़ हो जाएगी, तो वो थक हार जाते हैं। फिर उनको होता है कि हाय हम थक गए, वो नहीं होगा अब इस टाइम पर। अगर बैग का भार कम होता है तो थोड़ी लिमिटेड बुक्स में भी अगर पढ़ाई हो रही है वो ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए, कि प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर हम लोग तो उठा सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट सेकेंड के हैं, उनके लिए तो बुक्स इतनी सारी, वो छोटे छोटे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा उनके लिए ही बेनिफिट होगा कि वो आराम से ऊपर जा सकते हैं अपनी अपनी क्लासेस में, किसी के सेकेंड फ्लोर पे, किसी के थर्ड फ्लोर पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। फिजिकली होगी वो आराम से अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सक, पहले होता था कि उठा के चले या चले ज़बरदस्ती चढ़ जाते थे, अब होता है कि बाहर जो बैग का भार है अगर वो कम हो गया वो आराम से सीधा ऊपर जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी कि हाँ चढ़ना है तो चढ़ ही जाना है हमने, अब नहीं तो थक हार के तो दो कदम चल के सबका थक हार जाते थे सारे के सारे। जीरो लाइन न्यूज़ के लिए आनंदपुर साहिब से भगवान सिंह की रिपोर्ट।